ऐसा है भाई, गर्मी हो रखी है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा, ठीक है, खड़े खड़े पसीने हो रहे हैं टप 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 टप। तो अब क्या करना है? हे तो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग। तो आज मुझे पता है आप लोग थोड़ा गुस्सा हो गए कि इतने टाइम से मैं कहाँ था बिना बताए, ना कुछ अपडेट ना कुछ। तो कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पा रहा था, वो रीज़न मैं आपको बहुत जल्द बताऊँगा। उस रीज़न के ऊपर भी एक व्लॉग आएगा, बट उससे पहले आई एम सॉरी, बट हाँ अब से मैं वापस रेगुलर हो जाऊँगा। और एक बात और, एक सेकेंड, हाँ तो अब से मैं वापस रेगुलर हो जाऊँगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो अभी आज हम क्या करने वाले हैं, सीन क्या है, सीन मैं अभी आपको बताता हूँ। सीन क्या है, सीन अभी है कि मम्मी ने मेरे को कहा कि बहुत टाइम हो गया तेरे, रात का कुछ खाया नहीं। तो मैंने कहा बताओ क्या खाओगे, तो मम्मी कहती है एक काम कर, अफ़गानी पनीर बना। तो बस आज मैं बनाऊंगा अफ़गानी पनीर। तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों से भी इसकी रेसिपी शेयर की जाए, बहुत ही सिंपल सॉबर रेसिपी है अफ़गानी पनीर की। इसके अंदर अगर आप कुछ चेंजेस करोगे तो अफ़गानी पनीर से आप अफ़गानी चाप भी बना सकते हो, और थोड़े चेंज करोगे तो अफ़गानी पनीर से आप अफ़गानी चिकन भी बना सकते हो। मैं आपको सब तो नहीं बताऊँगा, बट आज मैं आपको अफ़गानी पनीर की पूरी रेसिपी बताऊँगा। और जैसे अगली बार अगर आप कमेंट करके बताओ कि अफ़गानी चाप की रेसिपी चाहिए, अफ़गानी चिकन की रेसिपी चाहिए, वो भी आपको मिलेगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलते हैं फटाफट, थोड़ा सी सामान की कमी है फिलहाल, मतलब थोड़ा सामान वामान लेना मेरे को, क्रीम वगैरह, और पहले क्रीम वगैरह लिया था, स्कूटी में पेट्रोल वगैरह डलवाना है। तो करते हैं काम चालू, फिर उसके बाद मिलते हैं। मैं निकल चुका हूँ, जाऊँगा पहले, सबसे पहले पेट्रोल डलवाने, फिर पेट्रोल डलवाने के बाद सीधा सामान लेने। आई होप मेरी आवाज़ आ रही हो, माइक और गोरिल्ला स्टैंड का फ़ायदा तो हो ही रहा है, स्टैंड का तो हो ही रहा है। बाकी मिलते हैं फिर अब घर के अंदर। अब मैं घर पे तो आ चुका हूँ, अभी थोड़ा सा पसीना सुखा रहा हूँ एसी ऑन करके। हाँ क्या है, तू आ जा पहले, तू आ जा बिहारी चले। हाँ तो अभी बस एक बार फटाफट पसीना सूख जाए, फिर उसके बाद बनाना करना चालू, क्योंकि टाइम हो गया लेट। इस टाइम पे मैं क्या टाइम हो रहा है टाइम बताता हूँ आपको। तो इस टाइम पे 7 बज रहे हैं, बनाने में भी कम से कम तकरीबन 20 से 25 मिनट लग जाएंगे। ज़्यादा मुश्किल नहीं है रेसिपी, तो ईजी है, मिले काफ़ी दिनों बाद है, हम तो ये तो हैं बोली, आज बड़े दिनों बाद व्लॉग शूट कर रहे हैं। अभी बहुत सारे व्लॉग आने हैं, मन तो बहुत था व्लॉग बनाने का, और आपको देरी नहीं होती व्लॉग आने में, बट थोड़ी दिक्कत, वो दिक्कत भी मैं आपको शायद अगले व्लॉग में या उससे अगले व्लॉग में, बट वो दिक्कत आपको बताऊँगा ज़रूर क्या हुई थी। तो एक बार मैं रेस्ट, हाँ बोल, तो एक बार बस मैं रेस्ट ले लूँ फिर। क्या क्या क्या, तेरे को चैन नहीं है ना, तेरे को चैन नहीं है, तो बस एक बार मैं रेस्ट ले लूँ। एक बार जैसे पसीना सूखेगा, पसीना सूखते ही काम करना चालू, सामान मैंने सैनिटाइज करके रख दिया फ्रिज में, और बस। हाँ तो अब सब्जी बनाना स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल। अबे गिर गया, सीधा खड़ा हो गया, तो स्टैंड भी ना एक मिनट सेट कर रहा हूँ। हाँ तो ओके, ऑल सेट, डन। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं बस बनाना। तो बनाने के लिए कुछ नहीं करना, ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी ग्रेवी के लिए, अनियंस की। मैंने 250 ग्राम पनीर बना रहा हूँ, 250 ग्राम है, तो उसके लिए मैंने लिया 4 अनियंस, 4 से 5 छोटे अनियंस, जिसके अंदर मैं डालूँगा कैशू नट्स, वो ये रहे अनियंस और कैशू नट्स, और इसको कर दूँगा मैं ग्राइंड, और इसके अंदर 1 या 2 ग्रीन चिली डालूँगा, और थोड़ा सा जो पनीर है, पनीर को मैं शैलो फ्राई करूँगा, डीप फ्राई नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा ब्राउन कलर देना है, फिर उसके बाद शैलो फ्राई करके ग्रेवी बनाने करेंगे स्टार्ट। तो फिर आ,
अभी फिलहाल जो है पनीर मेरा हो चुका है बिल्कुल रेडी, ब्राउन ब्राउन हो चुका है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना मैंने पहले कहा था। तो अब हम करेंगे ग्रेवी के लिए तैयार बिल्कुल उसका पेस्ट। तो उसके लिए हमने कुछ नहीं करना, अनियंस, थोड़े से कैशू नट और डालेंगे हम इसके अंदर ग्रीन चिली। हम इसके अंदर रेड चिली का यूज़ नहीं करते क्योंकि फिर उसके रेड चिली का कलर आ जाता है तो वाइट ग्रेवी नहीं बनती। अब मैं इसको कर दूंगा फटाफट ग्राइंड। तो अब इसकी ग्रेवी हो चुकी है बिल्कुल तैयार, बिल्कुल थिक, आप देख लो ऐसा टेक्सचर आना चाहिए इसकी ग्रेवी के अंदर। तो अब करते हैं फटाफट, सॉरी ग्रेवी कह रहा हूँ, ग्रेवी के लिए इंग्रेडिएंट्स। तो अब करते हैं फटाफट तैयार और सब्जी बनाते हैं फिर। हाँ तो अब मैं कर रहा हूँ स्टार्ट इसको बनाना। मैंने पैन के अंदर पहले थोड़ा सा देसी घी डाल दिया है, तो अब मैं उसके अंदर डालूँगा थोड़ी सी शिमला मिर्च, कैप्सिकम, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल आधी लगा लो, आधी शिमला मिर्च जाएगी इसके अंदर। और इसको करूँगा मैं हल्का सा फ्राई। हाँ तो अब ये मुश्किल से इसको एक से दो मिनट डाल के रखूँगा इसके अंदर, फिर मैं डालूँगा इसके अंदर जो अपना पेस्ट है वो। तो अब इसको लगभग 5 से 10 मिनट सौते करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे लगभग 200 ग्राम योगर्ट, दही, ज़्यादा नहीं डालना वरना बहुत ज़्यादा टेस्ट इसका चेंज हो जाएगा। तकरीबन 200 ग्राम दही डालना है इसमें और फिर इसको वापस सौते करना है। तो अब इसमें हम डालेंगे फिलहाल थोड़े से स्पाइसेस। इसके अंदर ध्यान रखना आपने ज़्यादा कुछ नहीं डालना है, इसके अंदर आपने डालना है सबसे पहले तो सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने, तो मैंने 2 चम्मच इसके अंदर 2 छोटे टेबलस्पून सॉल्ट डाला है। और इसके अंदर आप डालोगे ब्लैक पेपर, पिसी हुई काली मिर्ची आपने डालनी है याद रखना, ब्लैक पेपर, धनिया पाउडर, और बिल्कुल थोड़ा सा, बिल्कुल हल्का सा, हल्का सा माइनर सा किचन के बस। और फिर देंगे इसको हम एक बार स्टर। और अब इसके अंदर सबसे लास्ट चीज जो जाएगी वो है क्रीम। मैं पतंजलि की क्रीम यूज कर रहा हूँ, काउ मिल्क, पतंजलि के काउ मिल्क से बनी क्रीम, बहुत ही टेस्टी होती है। तो एक पूरा पैकेट क्रीम का इसके अंदर जाएगा। आपकी ग्रेवी के अंदर सब चीज़ें डल चुकी है, एक बार टेस्ट कर लेना कोई चीज़ कम ना हो। और अब हम इसको मुश्किल से 10 से 15 मिनट पकने देंगे और उसके बाद हम डाल देंगे इसके अंदर पनीर और उसके बाद लास्ट इसके अंदर देंगे फाइनल ट्विस्ट। और उस फाइनल ट्विस्ट को देखने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो अब लास्ट इसके अंदर हम ऐड करने वाले हैं पनीर, चल बेटे, और फिर इसको देंगे हल्का सा स्टर। मम्मी मेरी शिकायत लगा रही है पापा को कि अभी मम्मी ने कहा सब्जी टेस्ट करा ली है, मम्मी क्या फिर गरम गरम डाल दी, जाके शिकायत लगा रही है। तो बस अब सब्जी हो गया फाइनल रेडी, अब हम इसको देंगे अपना फाइनल टच और वो टच देखते हैं। तो अभी देने वाले हम अपनी जो है ग्रेवी को एक बहुत ही प्यारा सा स्मोकी फ्लेवर। तो उसके लिए देने के लिए अगर आपके पास कोई कोयला है तो कोयला ठीक है, वरना आप यूज़ कर सकते हो हुक्के की कोयल, मेरे पास है वो पूरा पैकेट पड़ा हुआ है। तो फिर मैं एक पीस कोल का हमने निकालना है और उसको फटाफट गर्म करना है, फिर उसके बाद आगे बताता हूँ क्या करना है।
फाइनली अब हम अपनी जो सब्जी है उसको स्मोकी फ्लेवर देने वाले हैं। उसके लिए आपने एक फॉइल पेपर का टुकड़ा रखना है इसके बीच में, और इसके ऊपर रखना है आपने कोल, और कोल रखने के बाद इसके अंदर, इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा, मैं एक सेकेंड कैमरे को स्टेबल कर देता हूँ वरना मेरे से होएगा नहीं काम। तो इसके अंदर हम डालेंगे ऊपर से गरम गरम घी, और इसको फटाफट ढक देंगे ताकि, एक चम्मच लेंगे हम घी और ऊपर लेके, बस अब हमने इसको ढक दिया है ताकि अब इसके अंदर ढंग से फ्लेवर, एक बार स्मोकी फ्लेवर इसके अंदर आ जाए, और बस हमारी सब्जी हो गई तैयार। हाँ, स्वेटिंग देखो कितनी हो रही है। तो फिलहाल फाइनली हमारी जो सब्जी हो चुकी है, अफगानी पनीर हो चुकी है तैयार। अब इसके बाद जब खाएंगे तब पता चलेगा कैसी लगी। मेरी हालत देखो, कहीं से भी पसीने आ रहे हैं। तो मिलते हैं फिर सब्जी खाते हुए। तो फाइनली अब अपनी रोटी हो चुकी है तैयार, डिनर इज रेडी, साथ में तंदूर वाली रोटी और पनीर। तो खाते हैं और उसके बाद सबसे रिव्यू लेते हैं कैसी बनी थी सब्जी। हाँ हाँ, चाट लो कैसी थी। तो रिव्यूज आप देख चुके हो कैसी थी सब्जी। प्लेट पूरी खाली कर दिया मम्मी ने चाट चाट के। तो रिव्यू आप सुन चुके हो कैसी थी सब्जी, ट्राई जरूर करना, और ट्राई करने के बाद वापस वीडियो पे आना और कमेंट करके बताना सब्जी कैसी बनी। हाउ वॉज योर अफगानी पनीर। तो इसी के साथ कबीर कोहली साइनिंग ऑफ, मिलते हैं अगले व्लॉग में बहुत जल्द। और हाँ, अब व्लॉग लेट नहीं होंगे। बाय।